देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि नोटबंदी से डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बूस्टर डोज मिला है। उनसे खास बातचीत जब हमने की तो उन्होंने कहा कि अब बैंकों का भी डिजिटल ट्रांजैक्शन पर फोकस है। सुनिए क्या कुछ कहा। एक साल पूरा हो रहा है नोटबंदी को, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा, कितने फायदे हुए, किस तरह का ओवरऑल आप देखते हैं? देखिए, जो चुनौतियों का समय था वो तो निकल गया, वो तो पुरानी बात हो गई। मुझे लगता है कि अब तो पब्लिक मेमोरी में भी जो डिमोनेटाइजेशन है उसका इम्पैक्ट कम ही होता जा रहा है। आपको कैश की कोई असुविधा नहीं है किसी भी तरह की, पूरा कैश उपलब्ध है। और बैंकों के लिए हम इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि हमारा कासा जो है वो बढ़ गया है, सेविंग्स बैंक अकाउंट में अच्छी 250-300 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। और मैं समझता हूँ ज़्यादातर बैंक्स ने कासा रेशो का जो इम्प्रूवमेंट है वो डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है। और दूसरा जो चीज़ है, डिजिटाइजेशन का जो थ्रस्ट है उसमें काफ़ी सफलता बैंकों को मिल रही है, और उससे जो ट्रांजेक्शन्स की कॉस्ट है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन की कॉस्ट सबसे कम होती है। ये एक सत्य है, जिसको ATM के मुकाबले तो कॉस्ट बहुत ही कम है। तो उसमें जो बदलाव आ रहा है वो बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत, मैं समझता हूँ, एक अच्छी बात। और सर, ये जो बैंकिंग रिकेपिटलाइजेशन का सरकार ने ऐलान किया है PSU बैंकिंग के लिए, तो यह मानते हैं पूरे PSU बैंकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पूर्ण होगा? बिल्कुल होगा, और ये इस बात को दर्शाता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको एक तरह से लाइव रखने के लिए सरकार के जो है वचनबद्धता को भी दिखाता है। और ये इस बात का रिकॉग्निशन भी है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका जो रोल है देश की अर्थव्यवस्था में उसको ये रिकॉग्नाइज करता है, और ये इसकी बहुत आवश्यकता थी। और एक ये बड़ा कदम जो सरकार ने उठाया है उस